नमस्कार दोस्तों, एनके नौकरी क्रेकर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि बेसिल में एक बम्पर वैकेंसी निकली है। दोस्तों यहां पे जो आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों इंटरव्यू के आधार पे होगा। लगभग 1000 पदों पे वैकेंसी निकली हुई है जो सिर्फ इंटरव्यू के आधार पे होगा, साक्षात्कार परीक्षा के आधार पे होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, यहाँ पे वैकेंसी निकला है जो एक मिनी रत्ना कंपनी है दोस्तों, भारत सरकार का उद्यम है, जो गवर्नमेंट कंपनी है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको यहाँ वैकेंसी जो निकाला गया कुशल और अकुशल कर्मचारियों के लिए निकाला गया है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे पद का नाम दिया गया है कि विनिर्देशन के अनुसार कुशल जनशक्ति। तो यहाँ पे योग्यता मांगा गया ITR या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा मांगा गया है, और यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, 1 साल का इलेक्ट्रिकल में अनुभव मांगा गया है, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आयु सीमा मांगा गया है, जब आपको कैर दिया जाएगा तो उस समय आपकी उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सारा कोई डिटेल दिया गया है, और यहाँ पे वैकेंसी दिया गया है तो कुशल जनशक्ति के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 79 वैकेंसी दिया गया, और यहाँ पे आपको वेतन दिया जाएगा 9381 वेतन दिया जाएगा। और आगे देख सकते हैं दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पे आपको क्या दिया गया, विनिर्देशन के अनुसार अकुशल जनशक्ति, यहाँ पे अनस्किल्ड मैन पावर के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे योग्यता आपको 8वीं कक्षा उत्तीर्ण मांग रहा है, और इलेक्ट्रिकल्स में 1 साल का अनुभव, और यहाँ पे आपको 40 वर्ष नहीं होना चाहिए कैर करने के समय, और यहाँ पे भी वैकेंसी 79 है, और यहाँ पे आपको 7613 रुपया दिया जाएगा 8वीं कक्षा उत्तीर्ण वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको क्या काम दिया जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अच्छे से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अनुगामी जनशक्ति से शामिल प्रत्येक शिफ्ट, यहाँ प्रत्येक शिफ्ट 8 घंटा होगा, 3 शिफ्ट यहाँ पे चलेगा दोस्तों। यहाँ पे आपको इस तरह का काम किया जाएगा कि यहाँ पे आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होता है वहाँ पे उसका परिचालन और रख रखाव से संबंधित कार्य होगा दोस्तों, और ये शहरी सब स्टेशनों में भी आपको काम दिया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आप तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं, तीसरे नंबर में वैकेंसी ज़्यादा है, यहाँ पे विनिर्देशन के अनुसार कुशल जनशक्ति, यहाँ पे योग्यता सेम दिया गया ITR इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा, 1 साल का अनुभव इलेक्ट्रिकल्स में, और 40 वर्ष अधिक नहीं होना चाहिए, और सेम चीज़ दिया गया है कैर, यहाँ पे वैकेंसी सिर्फ 290 बढ़ा दिया गया, और यहाँ 9361 रुपया दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो सैलरी है बराबर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आपको वैकेंसी बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पे विनिर्देशन के अनुसार यहाँ चौथे नंबर पे देख सकते हैं अकुशल जनशक्ति, तो यहाँ पे 8वीं कक्षा उत्तीर्ण जो यहाँ पे अकुशल जनशक्ति का था वही सेम कुछ दिया गया, सिर्फ वैकेंसी बढ़ा दिया गया, बाकी सेम कुछ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्म एंड कंडीशन क्या है, तो नौकरी के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार जो होता है मानसिक रूप से यानी मेंटली सही होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, ड्यूटी के दौरान कोई ड्रग या शराब पीने का आदि नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपको मतलब यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, अगर इस तरह से पाया जाता है तो आपको नौकरी से हटाया जा सकता है। और यहाँ पे आपको दिया गया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे जो रखा जाएगा तो वहाँ पे आपको 12,000 रुपया सुरक्षा जमा की करवाया जाएगा दोस्तों, 12,000 रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाया जाएगा। तो अगर आप किसी भी काम के दौरान किसी तरह की अगर लापरवाही करते हैं या किसी काम के दौरान किसी तरह से आप नुकसान पहुंचाते हैं या चोरी वगैरह करते हैं तो आपकी सुरक्षा जमा राशि जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट में जो मनी जो है वहां से काट लिया जाएगा पैसा। तो यहां पे आप देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, और यहां पे अच्छे से आपको दिया गया सारा कुछ दिया गया, और ये जो आवेदन पत्र है दोस्तों यहाँ पे जो वेबसाइट दिया गया बेसिल का www.basil.com से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो यहाँ पे योग्य उम्मीदवार के लिए दिया गया यहाँ पे आप देख सकते हैं, साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं, अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल दही चौकी उन्नाव उत्तर प्रदेश के कार्यालय में 28 मई से 30 मई 2019 को प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक आयोजित होने वाले इंटरव्यू में आप भाग ले सकते हैं दोस्तों। तो आज 29 तारीख है दोस्तों, कल तक का ही समय है, तो अगर आप उत्तर प्रदेश या आसपास के शहर से बिलोंग करते हैं तो वहां जाके इंटरव्यू दे सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर दूसरे शहर से आप बिलोंग करते हैं तो आने में आपको 1-2 दिन लग जाएगा दोस्तों, आने जाने में 1-2 दिन लग जाएगा। तो आप आमने सामने के शहर में रहते हैं तो जाके इंटरव्यू दे सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको अच्छा सैलरी दिया जाएगा, 7-8 हज़ार दिया जाएगा दोस्तों।
तो दोस्तों इस प्रकार की रेगुलर वीडियो पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो आज के वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।